And this is a part two for your question answer series regarding foundation and history of yoga as per UGC NET syllabus. So stay connected with Banarasya. If you have not subscribed our channel, do like, share and subscribe our channel for more such videos. So today's first question is, the panch skandhas of Buddhism are, पांच स्कंध बुद्धिज्म के क्या माने गए हैं. ऑप्शन ए इज रूप, वेदना, संजना, संस्कार, विज्ञान. ऑप्शन बी अविद्या, रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान. ऑप्शन थ्री इज अविद्या, सदायात्ना, स्पर्श, संस्कार और विज्ञान और नन ऑफ द अबो. सो व्हाट विल बी द आंसर इज, सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज रूप, वेदना, संजना, संस्कार एज विज्ञान. क्वेश्चन नंबर टू, द वैष्णवाज, द शिवाज एंड द शक्ताज, ऑल देयर डिफरेंट सेक्रेट लिटरेचर कॉल्ड एज. सो द ऑप्शंस आर अगमा, संहिता, तंत्रा और रियल वेदाज. सो एज यू ऑल नो, दीज वैष्णवा, शैव एंड शक्ताज आर रिलेटेड टू शिव भक्त और प्रोजेनी ऑफ शिवा. सो द करेक्ट आंसर विल बी द तंत्रा. अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी, द कैवल्य इज अटेंड व्हेन साधका गेट्स द स्टेज ऑफ डैश समाधि, सबीज, अबीज, निर्बीज और नन ऑफ द अबो. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पतंजलि योग सूत्र, इन विच इट हैज बीन स्टेटेड व्हेन द पर्सन बिकम सीडलेस और द पास्ट कर्माज और द मेमोरीज ऑल्सो got dissolved into the practice, then it called nirbij stage of samadhi, and that is the stage when kevalya is attained. Or jab ye mana jata hai ki aapka jo bij hai, aapke jo thoughts hai, aapke jo vichar hai, jo purv janm ke sanskar hai, wo sab bhi jab samapt ho jate hain, tab aapki jo hai nirbij samadhi lagti hai. Aur nirbij samadhi mein hi jab aap shunya ki avastha mein chale jate hain to aapko kevalya ki avastha prapt hoti hai. To iska jo sahi answer hoga wo hoga nirbij samadhi. Next question is, how many types of bhakti is told by acharya ramanuja? आचार्य रामानुज के द्वारा कितने तरह की भक्ति बताई गई है? चार, पाँच, सात और नौ. तो आचार्य रामानुज के द्वारा पांच प्रकार की भक्ति बताई गई है. इसके अलावा भक्ति के सात प्रकार हैं. तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो भक्ति के कौन से सात प्रकार हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ राजयोगा इज टू कंट्रोल इमोशंस, टू कंट्रोल माइंड, टू कंट्रोल ऑर्गन्स और टू कंट्रोल सेंसेस. सो राजयोगा का मेन उद्देश्य क्या होता है? विचारों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, ऑर्गन्स यानी कि जो शरीर में तमाम प्रकार के शरीर की अवस्थाएं हैं और पार्ट हैं उनको कंट्रोल करना, या फिर इंद्रियों को कंट्रोल करना. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, राजयोग का मुख्य उद्देश्य होता है मन को कंट्रोल करना, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र भी हमारा राजयोगा का टेक्स्ट माना जाता है और प्रोमिनेंट टेक्स्ट माना जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग जो मेन एम है वो है चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना, वही जो है वो योग बताया गया है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गुणा इज डोमिनेंट इन मीडियम कैटेगरी ऑफ साधकाज. मीडियम कैटेगरी ऑफ साधकाज में कौन सा जो गुण है वो ज़्यादा होता है? तमगुण, रजगुण, सत्वगुण और बी एंड सी, बोथ रज एंड सत्व. तो जो मीडियम कैटेगरी के साधकाज हैं वो जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं या उस अवस्था में चलते रहते हैं जिसमें रज और सत्व की बढ़ोतरी और घटती हुई अवस्था होती है. मतलब रज और सत्व जो है बढ़ता घटता रहता है क्योंकि वो मीडियम कैटेगरी. तो जैसे उनकी साधना अच्छी चलती है तो सत्व बढ़ता है, फिर कुछ अगर गड़बड़ होता है या फिर वो साधना में ढीले पड़ते हैं तो उनका रजगुण तेज़ होने लगता है, या वो संस्कार की वजह से या माया की वजह से रजगुण बढ़ने लगता है. तो सत्व और रज दोनों ही जो है मीडियम कैटेगरी साधना में, साधकाज में डोमिनेंट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बहिरंग साधना ऑफ ज्ञान योग साधना. ज्ञान योग की साधना में कौन, निम्न में से कौन सा जो है बहिरंग साधना है? तो सबसे पहले जो वर्ड बहिरंग है उसका क्या मतलब होता है? जो बाहर के वर्ल्ड से रिलेटेड है या जो आउटवर्ड है, ठीक है. तो बहिरंग साधना जो है ज्ञान योग की वो क्या हो सकती है? जैसा कि आप सब जानते होंगे, ज्ञान योग के तीन मेन जो है कंपोनेंट्स माने जाते हैं, वो है श्रवण यानी कि सुनना,
मनन यानी कि सोचना और निधि ध्यासन यानी कि मेडिटेशन करना। तो इनमें से मनन और निधि ध्यासन जो है वो अंतरंग साधना है, वहीं श्रवण जो है वो बहिरंग साधना, क्योंकि आप किसी और की बात बाहर से आप सुन रहे हैं किसी की बात, तो श्रवण को जो है वो बहिरंग साधना माना जाता है। इसमें कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि विवेक और वैराग्य क्यों नहीं, तो ये जो है वो ज्ञान योग साधना का पार्ट नहीं माना जाता, इसलिए हम इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद वो कौन से फिलॉसफी को फॉलो करते थे, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और नन ऑफ दीज। सो आप सब जानते होंगे विवेकानंद जो है वो अद्वैत फिलॉसफी के प्रोपोगेटर थे, तो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच चक्र इज एक्टिवेटेड बाय प्रैक्टिस ऑफ भद्रासना। भद्रासना जो है, ग्रेशियस पोस्चर भी जिसे कहते हैं हम, उससे कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा या ऑल ऑफ द अबोव। सो कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है भद्रासना और सिंहासना में चक्र की बात नहीं कही गई है। हठ योगा में अगर आपने पढ़ी होगी स्वात्माराम जी की हठ योगा, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा ऐसा आसन है जिसमें तीनों बंधा लग जाते हैं अपने आप, तो एक भद्रासन है और एक सिंहासन है, ये दोनों में ही तीनों बंधा अपने आप लग जाते हैं। वही जब हम चक्र की बात करेंगे तो भद्रासना में सिर्फ मूलाधार चक्र जो है वो आपका एक्टिवेटेड माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन विच वायु इज रिलेटेड टू विशुद्धि चक्र, कौन सी वायु जो है विशुद्धि चक्र से रिलेटेड मानी जाती है, प्राणवायु, उदान वायु, अपान वायु और समान वायु। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि आप सब ये फिगर को देख पा रहे होंगे, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप देख सकते हैं सर, हाथ, पैर और पूरी बॉडी है। तो अगर आपको सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बॉडी के हिसाब से याद करना हो प्राण का, तो आप ये निमोनिक्स याद कर सकते हैं, उपसव, जिसका मतलब है सबसे ऊपर गले तक का जो एरिया रहेगा वो होगा उदान वायु, जो चेस्ट का रीजन होगा वो होगा प्राणवायु, और जो एब्डोमेन यानी कि पेट का रीजन होगा नाभि से ऊपर का और चेस्ट के नीचे का वो होगा समान वायु, नाभि से नीचे का हिस्सा जो होगा वो होगा अपान वायु, और जो पूरी बॉडी में होगा जो सर्वव्यापी है वो होगा हमारा व्यान वायु। तो इसके अकॉर्डिंग विशुद्धि चक्र हमारा गले में होता है, तो गले तक जो है हमारा उदान वायु होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उदान वायु। ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है प्राणास को याद करने के लिए और रिस्पेक्टेड बॉडी फंक्शन और बॉडी एरिया को याद करने के लिए, तो आपको सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, उपसव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द मेन एलिमेंट ऑफ अनाहत चक्र, अनाहत चक्र का मेन एलिमेंट क्या होता है, अर्थ, वाटर, एयर और स्पेस। तो अगर आपको नहीं पता है तो हमारे जो चक्रास हैं, सात चक्रास जो हैं वो हमारे एलिमेंट से जुड़े, यानी कि जो पंच तत्व हैं हमारे शरीर और पृथ्वी के, उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो अनाहत चक्र जो है हमारा वो एयर एलिमेंट यानी कि वायु देवता जो है उसके स्वामी भी माने जाते हैं, और वो एयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि वो वही चक्र है जो फीलिंग ऑफ इनफाइनाइट को एक्टिवेट करता है। और उसका मंत्र क्या होता है, तो मंत्र आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो हाउ मेनी पेटल्स डज मूलधारा चक्रा हैव, मूलधारा चक्रा में कितने पेटल्स होते हैं, जो चक्रास में जो है पंखुड़ियाँ होती है क्योंकि वो फूल की तरह की उनकी आकृति होती है, तो मूलधारा चक्रा की चक्रा में कितने पेटल्स होते हैं, कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं, ये पूछा गया है, 4, 6, 8 और 10। तो जैसा कि आप सब जानते हैं मूलधारा सबसे निचला हमारा जो सबसे पहला चक्र है, अगर हम नीचे से देखें तो सबसे पहला चक्र आता है, इसका बीज मंत्र होता है लम, और इसमें सिर्फ 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ग्लैंड इज एक्टिवेटेड बाय प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा कौन सा ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होता है, थाइमस जो कि आपके सीने में होता है, थायराइड जो कि आपके गले में होता है, पिट्यूटरी जो कि आपके माइंड में या ब्रेन में होता है, और पीनियल जो कि आपके आज्ञा चक्र की जगह होता है। तो इनमें से कौन सा जो ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो रहा है ज्ञान मुद्रा के द्वारा, तो ऐसा माना जाता है कि पिट्यूटरी जो है वो आपके ज्ञान मुद्रा से एक्टिवेट होता है। देन अकॉर्डिंग टू चार्वाक फिलॉसफी,
नंबर ऑफ प्रमाण वृत्तीज आर, चार्वाक फिलोसफी के अकॉर्डिंग या चार्वाक जी के अकॉर्डिंग कितनी प्रमाण वृत्तियाँ होती हैं, एक, तीन, चार या नन ऑफ दी अबो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं प्रमाण का क्या मतलब होता है, प्रमाण का मतलब होता है मीन्स ऑफ नॉलेज, मतलब एक तरीका जिससे कि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तो हमारे चार्वाक फिलोसफी में जो है चार्वाक जी के द्वारा सिर्फ एक ही प्रमाण बताया गया है, वो है परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष, जो देखा वही सत्य है या वही ज्ञान है, ऐसा उनका मानना था। बट वही अगर हम देखें बुद्धिज्म फिलॉसफी या बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग हमारे दो परसेप्शन यानी कि दो प्रमाण वृत्तियाँ होती है, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। तो परसेप्शन एंड इंटरफेरेंस या फिर प्रत्यक्ष और अनुमान जो है दो फिलॉसफी हमारी बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग होती है। वही जैनिज्म में देखें तो जैनिज्म में तीन फिलॉसफी या तीन प्रमाण वृत्तियाँ बताई गई हैं, परसेप्शन, इंटरफेरेंस और टेस्टिमोनी यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये तीन बताए गए हैं। वही हिंदू फिलॉसफी में जो है छह प्रमाण बताए गए हैं। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आ सकता है कि चक्रा, उनके कलर्स, उनका मंत्र, उनके नंबर ऑफ पेटल्स और उनके रिलेटेड एलिमेंट्स। तो यहाँ मैंने जो है क्वेश्चन के फॉर्म में ना बना के इसे सिर्फ आंसर के फॉर्म में बनाया है कि मूलधार चक्र जो है उसका कलर होता है रेड, उसका मंत्र होता है लम और इसके पेटल होते हैं चार और इसका एलिमेंट है हमारा अर्थ एलिमेंट। वैसे ही स्वाधिष्ठान का ऑरेंज कलर, वम इसका मंत्र, नंबर ऑफ पेटल जो है इसके सिक्स होते हैं और एलिमेंट्स इसका होता है वाटर यानी कि जल। मणिपुर चक्र येलो, मंत्रा रम, नंबर ऑफ पेटल्स 10, एलिमेंट फायर। अनाहत चक्र जैसे कि क्वेश्चन भी हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, तो अनाहत चक्र एयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है जिनमें 12 पंखुड़ियाँ 12 पेटल्स होते हैं, उसका मंत्र होता है यम और उसका कलर होता है ग्रीन। विशुद्धि चक्र जिसका कलर होता है ब्लू, मंत्र होता है हम, नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं 16 और एलिमेंट होता है ईथर। अजना और आज्ञा चक्र उसका कलर होता है इंडिगो, मंत्र होता है ओम, उसके पेटल्स होते हैं दो। वही अगर आप देखें तो कुछ जगह ऑप्शन आपको ये मिल सकता है, दो ऑप्शन ना मिलके 96 ऑप्शन मिलेगा, तो 96 जो होगा वहाँ पे वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इन सब को प्लस करके हम उसको इंटू टू कर देंगे, तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर होगा और इंटू टू करेंगे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं अजना चक्र जो है या आज्ञा चक्र जो है वो इन सारे चक्रास से दो गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो इसलिए यहाँ पे 96 आया। वैसे ही जब हम सहस्त्रार का देखेंगे तो या तो 1000 ऑप्शन मिलेगा तो 1000 आंसर करेक्ट होगा नंबर ऑफ पेटल्स के लिए, अगर 1,44,000 अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बट अगर ये दोनों ही ऑप्शंस हैं तो आप लोअर ऑप्शंस पे जाएंगे यानी कि 2 और 1000 पे आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। सो सहस्त्रार का कलर होता है पर्पल और वॉयलेट, इसका भी मंत्र होता है ओम और इसका ओम का जो साइलेंस है वो हम मानते हैं तो यहाँ पे भी ओम ही लिखा जाता है और इसका जो एलिमेंट माना जाता है वो है थॉट, आपके विचार। तो इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये चक्रास की लोकेशन क्या होती, किस जगह कौन सा चक्रा होता है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्ट विद बनारस या द योगा चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you.